नमस्ते फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये हो रहा है एकदम सुबह का टाइम, सुबह सुबह ही हम लोग घर से निकल चुके हैं। टाइम में बोलूँ तो 6:15 का टाइम हो रहा होगा। तो हम निकलने वाले थे 5 बजे पर लेट हो गया, 5 बजे तो उठे ही हैं। तो फिर हस्बैंड ब्रश वगैरह किए, मैं तो ब्रश भी नहीं की ना मुँह धोई, बस सीधे चुन्नी ली और गाड़ी में बैठ गई आके, और कुछ भी नहीं की। बच्चे लोग भी ब्रश वगैरह नहीं किए, बस हस्बैंड किए हैं, बाकी कोई नहीं किया। फिर हम लोग निकल चुके हैं, उठे हैं। फिर उसके बाद भाभी ने मुझे पैर में रंग लगाया, बड़ी मम्मी की बहू थी वो भाभी, तो उन्होंने मुझे पैर में रंग लगाया। बोले कि रंग लगा के जाना चाहिए, वो जब भी रहती हैं तो रंग लगा के ही भेजती हैं सारी लड़कियों लोग को, कोई भी रहे, दीदी लोग रहती है ना, सबको पैर में वो लगा के ही रंग भेजती हैं। बाकी सुबह सुबह तो इतना किसी को ध्यान भी नहीं रहता है, पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं इन सारी चीज़ों को। तो पैर में मेरे रंग लगाए, फिर उसके बाद मुझे स्कूल पे मिल पे जो है जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है वहाँ तक सारे लोग आए थे छोड़ने, बड़ी मम्मी की बड़ी बहू, छोटी वाली बहू, मतलब सारी भाभी लोग, भाभी लोग, मम्मी, बुआ, सारे लोग आए हुए थे मुझे छोड़ने के लिए। फिर 6 बजे के लगभग हम लोग निकल चुके। फिर सुबह सुबह मैंने कोई ब्लॉग वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि किसको देती वीडियो बनाने के लिए, और मेरा मन भी नहीं करता है, मन इतना उदास रहता है ना, उस समय कुछ सोचता भी नहीं है। और आते समय मैं बहुत ज़्यादा रोने लगती हूँ, तो मैं आज भी बहुत ज़्यादा रोई हूँ, मुझे रोता हुआ देखकर। मेरी भाभी भी आज बहुत रोई हैं, मैंने उनको चुप कराया, वो मुझे चुप कराए, तो क्या कर सकते हैं, रोना तो आता ही है। देखिए अपने घर को छोड़ के जहाँ पे बचपन से बड़े हुए, मम्मी पापा भाई भाभी सब परिवार पूरा है, वहाँ से आते समय इतना दया लगता है सबको देख के, मुझे तो बहुत ज़्यादा रोना आता है और मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल भी हूँ। फिर हम लोग अभी पहुँच चुके हैं घर, रूम पे, तो अभी मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई। मैंने घर का पूरा झाड़ू लगाया पूरे घर में, फिर उसके बाद बाहर का झाड़ू लगा रही हूँ, और पौधों को सारा मैं ऊपर रख दी, क्योंकि नीचे रख दिए थे सामने वाले भैया, क्योंकि वो लोग ना घर खाली करके जा चुके हैं और कहीं और शिफ्ट हो गए, तो इसके वजह से उनका सामान गया ना, तो पूरा गमला हमारा घर के सामने रख दिए थे उठा के, कि कहीं गिरे तो टूट उड़ जाए, इसके वजह से उन्होंने हटा दिया था। और जूता का स्टैंड तो मैंने अंदर ही रख दिया था, क्योंकि कुत्ते उत्ते सब ऊपर आते हैं ना, तो कहीं इधर उधर फेंक ना दे, कई बार ऐसा हुआ है कि कुत्ता उठा ले जाते हैं जूता चप्पल, तो कहीं फटवट मतलब वही नुकसान ना कर दे, इसके वजह से मैं रख के जाती हूँ। तो अभी उसको भी बाहर कर दिया, और पौधों को मैंने पानी भी दे दिया। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था ना, तो आते ही सबसे पहले मैंने खाना भी बनने के लिए रख दिया, तो चावल दाल मेरा बन गया है, और हस्बैंड आलू काट रहे हैं। खाना में कुछ ज़्यादा बनाऊंगी नहीं, बस चावल दाल, आलू की भुजिया सब्जी बना दूंगी, बाकी शाम को कुछ बनाऊंगी। और मन भी नहीं कर रहा अभी कुछ करने का, क्योंकि थकान सी भी लग जाती है ना, गाड़ी में बैठे बैठे 4-4.5 घंटा लगता है हमें आने में। तो आते ही तुरंत ही काम में लग गई, बाकी बच्चे लोग तो अपना ब्रश वगैरह करके नहा धो लिए हैं, हस्बैंड भी नहा लिए हैं, सिर्फ मेरा ही नहाना बाकी। तो मैं कही कि नहीं, मैं अभी नहीं नहाऊंगी, सारा काम निपटा लूंगी तभी नहाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आने के बाद ना कहीं से भी आती हूँ 2-4 दिन के बाद घर में, तो सबसे पहले तो मैं चेंज करती हूँ, चादर हटा देती हूँ और दूसरा बिछा देती हूँ, क्योंकि सर हमारे घर में ना चूहा बहुत आते हैं, तो बेड वेड पे भी कूदते रहते हैं, नहीं रहो तो, इसकी वजह से मन भी नहीं भरता है। तो मैं हटा देती हूँ, फिर दूसरा बिछाती हूँ, कि लो सबको सोना रहता है, बैठना रहता है, बच्चे लोग हैं घर में, तो थोड़ा सा साफ सफाई का भी ध्यान तो देना ही पड़ता है। देखिए तो अभी हस्बैंड ने सब्जी भी काट दिया है, तो अभी धो के इसको छौंक लगाऊंगी, और बना रही हूँ अपने लिए 1 कप चाय, क्योंकि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उतना दूर ट्रेवल करना, फिर उसके बाद थकान तो लगी जाती है और सिर में दर्द भी हो जाता है गाड़ी में बैठे बैठे, और मन भी थोड़ा सा उदास है, मैं रो भी लेती हूँ ना, तो मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वैसे भी कभी ऐसे मन दुखी रहता है ना, तो रोती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा वाला सिर में दर्द होने लगता है। तो अभी खाना पीना बन गया, सब लोग खा पी लिए, बर्तन भी धो लिए, तो झाड़ू पोछा भी मैंने कर लिया है, बस मेरा मुझे नहाना बाकी है। अभी मैं नहाने ही जा ही रही थी कि देखिए परी क्या कर दी, उसमें कुछ गिरा दी, उसका पुदीने का पाउडर मैंने प्लास्टिक में बांध करके रखा था, उसमें पूरा फ्रिज में गिरा दी, एकदम पूरा पाउडर पाउडर हो गया। तो अब क्या करती, पूरा खाली करके अभी साफ करूंगी इसको। बच्चे भी ना कभी कभार अच्छा खासा काम बढ़ा देते हैं। तो बना के शरबत ले भी आया और रद्दी लग रहा है, मत देना बाबू कल से, ठीक डाला ही नहीं है ढंग से, और बाबू चीनी नहीं डाले। बड़ी ग्लास में जान बुझ के दे रहा था। उसमें ज्यादा डाले हो क्या अपने वाले में? हाँ एक ये तो
दीदी का लगा होगा किट में चीनी कम है। हाँ। ये 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 ली और इसमें चीनी कम था वो ले ली। हाँ। देखो कैसे पागल बनाया। और ये नाड़ा लटका के कहाँ घूम रहा है बाबू? सबका नाड़ा टी शर्ट के नीचे रहता है तो तुम्हारा ऊपर है, बांध दो उसको। कैसे पहना है जोकर ने? जोकर जैसे बाबू। अरे नमकीन नहीं गिराया हूँ, लेकिन अपनी गाड़ी हटाओ वहां से, जहाँ खिलौना रखते हैं ना वहां रख दो। आज ही चादर बदली हूँ, क्या हाल बना रखे हो तुम। कोई बात नहीं, चलो मैं नहीं था, मैं साफ कर दूंगी। आज ही चादर बिछाई हो, सब नमकीन खा खा के पूरा इतना गिरा दिए है ना कि पूछे मत, पूरा चीटी आने लगे ना, इसलिए परी को बोली हूँ उठ के चली गई। बाबू कह रहा मैंने गिराए तो किसको बोलूँ मैं। और काम करते करते मुझे दोपहर हो गया, अभी मैं शैम्पू करके नहाई हूँ, मुझे बाथरूम वगैरह भी धोना था क्योंकि आज है संडे। तो आज सोच रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लूँ क्योंकि कल हो जाएगा मंडे, तो कल वैसे ही बच्चे लोगों का स्कूल रहेगा, तो सुबह उठना, उन लोगों को तैयार करना, ये सब वाला काम रहेगा, टिफिन बनाना। तो मैं सोच रही हूँ कि आज ही सारा काम निपटा लूँ, लेकिन काम करते करते थक गए और दोपहर का टाइम हो गया, फिर भी मेरा मन अभी भी मेरे घर में ही है, मन बहुत उदास है। और सुबह का मैंने वीडियो इसलिए नहीं बना पाई कि हस्बैंड ना मेरा पर्स अपने बड़ा वाला बैग था उसी में लेके रख दी थी शाम को ही, तो लेके चले गए थे वहाँ पे मिल पे जहाँ पे गाड़ी मेरी खड़ी होती है। इसकी वजह से मैंने कोई वीडियो ही नहीं बना पाई और मेरा थोड़ा सा मन इतना ज़्यादा उदास रहता है कि मेरा इन सब पर ध्यान ही नहीं रहता है कि मुझे वीडियो भी बनाना है। कभी किसी बच्चे को पकड़ा दे कि थोड़ा बहुत बना देते हैं, नहीं तो मैं तो नहीं बनाती हूँ खुद से। तो आते समय भाभी भी बहुत रो रही थी, मम्मी भी उदास थी और पापा की तबीयत नहीं ठीक है, तो इसकी वजह से मुझे इस बार और ज़्यादा मतलब आने में हो रहा था, दुख लग रहा था, मन दुखी था। भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक रहे मेरे पापा। अभी से मैं खाना खाई हूँ, टाइम में बोलूँ तो 3:40 अभी से मैं खाना खाई हूँ। मेरा खाने का मन ही नहीं कर रहा था तो मैं सब्जी चावल खाई, भुजिया चावल बनाई थी खाना आज, चावल दाल और भुजिया और कुछ भी नहीं बनाई, दूध गर्म की बस, झाड़ू पोछा की, बहुत सारा सामान जो मम्मी के हाथ से मिला है ना सब हटाना बढ़ाना है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, बस जो जरूरी जरूरी काम था वही सब की हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं की हूँ। तब जाने और नहा के नाइटी डाल दी, कुछ पहनने का मन ही नहीं कर रहा था। और कल अभी पापा जाएंगे दिखाने के लिए, भाई लेके जाएगा बीएचयू, तो पता चलेगा कि क्या करना है, ऑपरेशन होगा या दवाई से ठीक हो जाएगा, कुछ कह नहीं सकते हैं अभी, डॉक्टर ही बोलेगा, जो बोलना होगा डॉक्टर ही बताएंगे। लेकिन यह है कि पापा भी परेशान हैं, वो ना खीर उर बनाने का चावल है, उसको रहने दीजिए, बाल्टी उल्टी में रख दूंगी अलग ही। हाँ वो जैसे कि टहरी वरी कुछ बनाना है, फ्राई वो फ्राई राइस, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं ली। मम्मी तो बहुत सारा दे रही थी पर मैंने मना कर दिया कि नहीं वो वाला थोड़ा सा ही दीजिए, पुराना चावल है ना वो खीर उर बनाने के लिए मम्मी ने दिया है। तो अभी जा रही हूँ काम करने, 1 घंटे से लेटी हुई थी, 1 घंटा नहीं 1.25 घंटा या आधा घंटा यहीं पे लेटी हुई थी। अभी तक क्या कवर लगाना है, बच्चे लोगों का यूनिफॉर्म प्रेस करना है, बहुत सारा काम है, तो मन नहीं कर रहा है, देखती हूँ करूँगी प्रेस बिना प्रेस का, ये लोग जाएंगे भी नहीं स्कूल में, तो चलता भी नहीं है ना, जाने को तो चले जाएंगे बच्चे लोग, लेकिन वही है कि अच्छा नहीं लगता, पूरा सिकुड़ा सिकुड़ा सा लगता है। बाबू ये किसका बुक है? चलिए मैं काम कर लेती हूँ, मायके से आने के बाद मन बहुत उदास हो जाता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से लग गई मैं काम में, और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ननद ने दिया है, मेरी ननद बेटी को गिफ्ट दी है, मतलब बर्थडे गिफ्ट, उसको घड़ी दी है।
तो वही मैं आप लोगों को दिखाई, वहाँ पे तो दिखाने का मौका ही नहीं मिला, तो अभी दिखा रही हूँ कि देखिए अच्छा है। वैसे टाइटन का है कलर डिजाइन सब कुछ अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगा। परी के लिए अपना स्कूल लगा के जाएगी, तो अभी तकिया का कवर लगा देती हूँ, बाकी जो छोटे मोटे काम है सारा निपटा दूँगी। मैंने शैम्पू करके नहाया, अभी तक कंघी भी नहीं की, ऐसे ही जूड़ा बना ली, बाद में कंघी करूँगी। जो ज़रूरी काम है ना पहले इन सारे कामों को निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद देखूँगी शाम को कंघी कर लूँगी। मेरा भी नहीं कर रहा है सब करने का भी कंघी वंगी, और वैसे भी जिस दिन शैम्पू कर लेती हूँ ना उस दिन तो मेरा शाम को ही कंघी सीधे होता है। पेट पे जो छोटा सा पाउच दिख रहा है ना उसमें मैं क्रीम वगैरह ये सब लेकर जाती हूँ, बिंदी सिंदूर ये सब, तो उसको तो मैंने खाली कर दिया, और बाकी बड़ा वाला बैग बाद में खाली करूँगी। तो मैंने सुबह में चावल दाल सब्जी ही सिर्फ बनाया था, इसके वजह से बच्चे लोगों का पेट ही नहीं भरा, तो हम कहे चलो अभी अब फ्री हो चुकी हूँ तो इन लोगों को कुछ काट पीट के दे देती हूँ खाने के लिए। तो हस्बैंड ना रास्ते में मिर्ज़ापुर के लगभग हम लोग पहुँचे थे, तो मिर्ज़ापुर वाले रोड पे ना हमें ककड़ी बहुत सारा दिख रहा था, तो वहीं से एक हस्बैंड को मैंने बोला कि ले लीजिए, इसको फूट हम बोलते हैं, गुड़ या चीनी के साथ खाते हैं। तो मैं बाबू को बोली हूँ कि खा के देखो बाबू कैसा लग रहा है, तो उसको पसंद ही नहीं आया, वो कह रहा है नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी हस्बैंड को दूंगी, और बहुत दिनों के बाद एक ककड़ी मिला है खाने को, मैं बहुत पहले का खाई हूँ, पता नहीं कितने साल हो गए, जल्दी मिलता ही नहीं है। तो एक ठो हस्बैंड ने 1 किलो का ले लिया मेरे कहने पर, और अभी खा पी के फिर से मैं आ गई किचन में और बनाने जा रही हूँ मैगी, और हस्बैंड को खाना है मसाला पापड़। तो सबका अलग अलग फरमाइश है, अभी फरमाइश फिर से शुरू हो गई, वही पूरा कर रही हूँ मैं। हम औरतों का काम ही क्या है, सबकी फरमाइश पूरा करना, सबका वही काम करो, सबका कपड़ा धोना प्रेस करना, यही सब में हमारा टाइम चला जाता है, तो मैं भी वही करती हूँ। मैं क्या अलग थोड़ी ना करूँगी कुछ, बच्चे लोगों को देखना, बच्चे लोगों को खाना पीना खिलाना, नहलाना धुलाना, ये सब तो हमारा काम है, पूरा दिन ये सब करते रहते हैं। और हस्बैंड बना रहे हैं मैगी, बच्चे लोगों को लगी है भूख, तो हम कहे चलो मैगी ही बना के दे देती हूँ, रात का खाना जब बनेगा तब बनेगा, अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा है खाना बनाने में, तो यही बना के दे देती हूँ। और अपने लिए बना लेती हूँ 1 कप चाय, तो अभी अदरक वाली चाय 1 कप पी लूँगी, तो फिर थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाएगा। और अब क्या मूड अच्छा होगा, 1-2 दिन तक तो मेरा मन ऐसे उदास रहेगा, फिर मैं ठीक हो जाती हूँ धीरे धीरे ना, फिर मैं नॉर्मल हो जाती हूँ, फिर से अपने वही रूटीन में आ जाती हूँ, अपना घर गृहस्थी बच्चे हस्बैंड इन सब में ही रह जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं ना कल का सनई का फूल लेके आई हूँ अपने घर से, तो उसकी सब्जी आज रात में बनाऊँगी। सनई का फूल ना कितने लोग जानते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे तरफ एक ये ना एक सब्जी है, उसका भुजिया सब्जी बनता है, तो वही लेकर आई हूँ, परी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं लेकर आई हूँ कि चलो बना लेती हूँ, जब इतना कही रही है। तो वहाँ पे नेहा बनाई थी ना भाभी की लड़की मेरी भतीजी, तो वो दी थी हमारे घर भी पहुँचाई थी, तो मैंने भी खाया, और फिर उसके बाद परी को भी लेके गई थी घर, वो भी खाई, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं लेकर आ गई। और ये मैं कपड़ा धो रही थी ना, तो कपड़े के साथ साथ पैसे भी धुल गए। बाय बाय।